मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये लग रहा है कि जो पब्लिकेशन हुआ है मींस जो न्यूज बना है जो भी बुक है या डॉक्यूमेंट छपा है कुछ भी है उसमें ऐसा प्रिंटिंग मटेरियल है वो ऐसा पब्लिकेशन है जो कि पनिशेबल है जो कि सेक्शन 124 ए, 153 ए, 153 बी सेक्शन 292, 293 एंड 295 ए आईपीसी को कवर करता है तो वो जो पब्लिकेशन होगा द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर सच पब्लिकेशन

एनी पुलिस ऑफिसर में सेम वेयर एवर फाउंड इन इंडिया कोई भी पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी भी पब्लिकेशन को किसी भी राइटअप को सीज कर सकता है थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पे भी ओके मेजिस्ट्रेट में इश्यू सर्च वारंट डायरेक्टिंग द सब इंस्पेक्टर रैंक पुलिस ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च अपॉन द प्लेस वेयर द पब्लिकेशन इज सू बी मेड जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा कंप्यूट जो का वो सर्च वॉर इशू करेगा डायरेक्ट करेगा कि सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर को कि ऐसी कोई भी जगह जहां पे ऐसा पब्लिकेशन बन रहा है मेड किया जा रहा है वहां पे जाके आप सर्च होल्ड करके वो सारी चीजें सीज करके अपनी कस्टडी में ले लीजिए ओके क्लॉज टू बात करता है क्लॉज टू यहां पे बात करता है न्यूज़पेपर एंड बुक हैव सेम मीनिंग एज इन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 जब आप प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 अगर रेफर करेंगे तो वहां पे आपको न्यूज़पेपर और बुक की डेफिनेशन मिलेगी वो वही न्यूज़पेपर और बुक यहां पे भी वैसे ही सेम मेंशनड है ओके okay? कोई मीनिंग चेंज नहीं है डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स क्या इंक्लूड करेगा डॉक्यूमेंट्स विल इंक्लूड एनी पेंटिंग कोई भी ड्राइंग या फोटोग्राफ और एदर और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशंस जैसे हम लोग देखते नहीं है कि कोई कार्टून किसी ने बना दिया तो वो विवाद में आ गया तो उस पर क्रिएट होते हैं श्रेणी सेक्शन शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर या कोई भी एक्शन ऐसा नहीं टेकन अप किया जाएगा जिसको आप क्वेश्चनेबल कर सकते हो जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो बट अनलेस अदरवाइज इन सेक्शन 96 इसी का जो इमीडिएट सेक्शन है आगे सक्सेडिंग सेक्शन है सेक्शन 96 उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ओके अभी सेक्शन 95 फाइव क्लॉज थ्री पढ़ रहा था सेक्शन 95 फाइव क्लॉज थ्री में ये चीज हुई थी कि सेक्शन नाइन्टी फाइव से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते कोई भी एक्शनेबल नहीं है वो कोर्ट ऑफ लॉ में बट वहां पे एक एक्सेप्शन था एक्सेप्शन हमारा सेक्शन नाइनटी सिक्स में ये बात करता है कि एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फीचर यानी कि हाई कोर्ट में जब भी आपका क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका डिक्लेरेशन ऑफ फोर्स फीचर पास करेगी ऐसे पब्लिकेशंस के रिगार्डिंग तो जो अग्रीब्ड पर्सन है जिनको ये लग रहा है कि ये एक्ट उनका गवर्नमेंट का गलत है और हमारा पब्लिकेशन बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स है और बोनिफाइड और सोसाइटल इंटरेस्ट इंटरेस्ट में में है national interest में है नेशनल ऐसे बंदे ऐसे लोग हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके उस पर्टिकुलर डिक्लेन ऑफ फॉर फीचर को वॉश करने के लिए सेटिसाइड करने के लिए पटिशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अब इसमें हम लोग आगे प्रावधान पढ़ेंगे

वहां से उस दिन से लेके दो महीने के अंदर अंदर अग्रीब पर्सन के पास टाइम होगा कि वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकता है उसके बाद नहीं तो लिमिटेशन पीरियड यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है हाई कोर्ट में क्यों जाएंगे टू ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन बाई गवर्नमेंट उसको कॉश कराने के लिए उसको कराने के लिए हम लोग ये क्लेम करेंगे कि वो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है डिक्लेरेशन ऑर्डर वो गलत है

ियन इन केस ऑफ मेजोरिटी तीन की बेंच है और उसमें से टू टू वन का रेशियो है यानी कि दो लोग फेवर में हैं या और एक अपोजिट में है या दो लोग अपोजिट में एक फेवर में है तो जो मेजोरिटी जजेस का ओपिनियन होगा उस वो बाइंडिंग होगा और वो ही डिलीवर किया जाएगा ओके कमिंग ऑन टू सेक्शन नाइनटी सेक्शन 97 बात करता है सर्च ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड मतलब कुछ लोगों को जिनको इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है या कैप्टिविटी में रखा गया है उनके रिगार्डिंग सर्च वारंट इशू करना ओके तो यहाँ पे है बात करते हैं इफ द डीएम एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज रीजन टू बिलीव some some person is confined to to place and that confinement amounts to an IPC तो wrongful confinement amounts an IPC IPC wrongful act punishable है. Okay, तो regarding यहाँ पे कुछ competent authorities हैं, जैसे DM हो गया आपका SDM डी एम हो गया जुडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया यही कंपिटेंट अथॉरिटीज जो है ये इन्हें अगर लग रहा है कि कोई पर्सन कन्फाइंड किसी को कर रखा है किसी प्लेस पे तो वो इशू कर सकते हैं सर्च वारंट टू द पुलिस ऑफिसर डायरेक्टिंग सर्च ऑफ पर्सन पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को आप रेस्क्यू करके लाइए छुड़ा के लाइए सर्च करके लाइए ओके okay?

और विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस मतलब उन्हीं प्रॉपर्टी को सीज करना जो कि या तो चुराई गई है स्टोलन है या फिर पुलिस को ये लग रहा है सस्पिशन है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है कमीशन ऑफ ऑफेंस में यूज हुई है या हो सकती है तो ऐसे चीजों को वो सीज कर लेंगे पुलिस ऑफिसर ओके okay? पुलिस ऑफिसर इफ सबॉर्डिनेट टू ऑफिसर इन चार्ज विल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ सीजर टू द सेम

है कि वो नेचुरल सब्जेक्ट हो जाएगी वक्त के साथ साथ उसका कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो कि कि पता लगाया जा सके कि कि किसकी प्रॉपर्टी है वो absent है या फिर unknown है 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 अज्ञात पता ही नहीं है, या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पांच सौ रुपए से कम है तो ऐसी प्रॉपर्टीज को सोल्व कर दिया जाएगा ऑक्शन के थ्रू प्रॉपर प्रो, प्रोसीजर के थ्रू बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ओके

जहां तक वो अपना सर्च वारंट इशू कर सकता है वो उसमें वो चाहे तो अपनी प्रेजेंस में भी वो सर्च करवा सकता है वो भी वहां फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं ओके। टू सेक्शन सेक्शन 104, section 104 बात करता है पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट एट्रा प्रोड्यूस इंपाउंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जब्त कर लेना ओके okay? जैसे हम लोगों ने सेक्शन 91 में पढ़ा था जहां पे समन इशू किए गए थे पर्सन को कंपेयर करने के लिए कि आप खुद अपियर हुए हो जी हो ये और डॉक्यूमेंट्स थिंग्स और जो भी नेसेसरी दस्तावेज़ है उनके साथ आप अपियर हुई है ठीक है ताकि इन्वेस्टिगेशन ट्रायल इंक्वायरी में मदद मिल सके तो सेक्शन 104 उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे जब आप कोर्ट के सामने वो सारी चीजें प्रोड्यूस करेंगे तो कोर्ट के पास सेक्शन 104 में पावर है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को जब्त भी कर सकता है अपने पास Okay, so any code may, if it thinks fit, impound any document or things produced before it under this code. Okay, thank you.